नमस्कार देवियों और सज्जनों, माय डियर दमदार किंग्समैन, आप देख रहे हैं सब नॉटिका का अगला एपिसोड। लास्ट एपिसोड में आपने जितना देखा था उतना तक ही है, मैंने आगे कुछ नहीं खेला इसमें। थोड़ा और घूमेंगे और ये वैसे बड़ा मस्त लग रहा है नहीं देखने पे। चांद हमारे पास भी मून है बट हमारा इतना बड़ा नहीं है इनकी तरह, या फिर इनका बहुत करीब है। मार्स के भी तो दो है ना, क्या नाम है उनका, फोबोस एंड डीमोस समथिंग। मैं ये कह रहा था यार, लास्ट वाली वीडियो में लग रहा है शायद आप लोगों ने पूरा देखा नहीं था, स्कैनर की बात आप लोगों ने बहुत किया है। स्कैनर तो ऑलरेडी बना चुके हैं हम ना, और खाने पीने को लेके थोड़ा सा आया था कमेंट में, समझ गया वाइन की बात जो आप कर रहे थे, वो जो यहाँ पे निकले हुए थे, जो मुझे मिला भी था शायद ये रहा, मैंने उसको फेंक दिया था लेकिन, क्योंकि वो सड़ गया था। फेंका नहीं है, पड़ा हुआ है शायद, नहीं फेंक दिया। और हाँ, सिल्वर मेरे पास है आई थिंक, जैसा कि मैंने मुझे सुनने में आया। एनीवे एक मिनट, तो अगर मैं ये करता हूं तो जस्ट गिव मी अ सेक, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओके। हाँ जी, अब मैं इसको अगर मैं कंज्यूम करूंगा तो फूड और H2O दोनों थोड़ा 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 मिल जाएगा। बट हाँ, ये a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. रेडिएशन सूट, द रेडिएशन सूट हैज बीन एडेड टू योर ब्लूप्रिंट डेटाबेस। ओके, यानी अगर इसके पास हम गए होते तो क्या फट जाते, हम भी मारे जाते, आई डोंट नो। मतलब वैसे इसमें चल के देखते हैं, वैसे अगर हो सकता है कुछ आइटम मिल जाए, बट थोड़ा सा घूमते हुए जाते ना, ये सब आइटम देखते लेते हुए और मिले तो ले हुआ वैसे। ओए ओए ओए, रुक जा, बहुत ड्रामा है यार। खैर, न्यू क्रीचर डिस्कवर्ड, ब्लैडर फिश। एलियन लाइफ फॉर्म्स मे हैव अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशंस। Utilizing alien resources is a proven survival strategy. अरे वो बहुत तेज भाग रही है यार, नहीं आ रही पकड़ में। इन्वर्टर को जला, रुको रुको, पहले थोड़ा यहाँ पहुँचता फिर आपसे बात करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक। यहाँ एंट्री होगी भी या फिर ये बंद होगा, इतनी भयानक है ये। यहाँ तो बहुत आइटम मिल जाएगा अगर एंट्री अगर ऐसे हो गई तो। अरे हाँ, एक बहुत ही वियर्ड सा वाही बहुत ही अच्छा कमेंट आया था कि बहुत पुराना हो गया, अभी क्यों खेल रहा हूँ। इसलिए खेल रहा हूँ पगले आजम क्योंकि एक महीने बाद इसका जस्ट सेकेंड पार्ट आने वाला है, तो अगर मैं ये अभी कंप्लीट कर लूंगा तो जस्ट इसके मैं इसके पास नहीं जा सकता, कंप्लीट कर लूंगा तो मैंने उसे गलती छोड़ दिया, कंप्लीट कर लूंगा तो शिट। जा रहा हूँ वापस जा रहा हूँ। अब जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि मेरे पास सिल्वर है, ऐसा कुछ कमेंट आए थे कि मैंने शायद उठाया था बट शायद किसी कंटेनर में रख दिया है, स्टोरेज में, सॉरी। मैं बस चेक कर लेता, अगर होगा तो उसको क्राफ्ट कर लेते हैं ना जो। अरे हाँ यार, है तो रॉटेन नहीं, इसको हटाओ यार, स्विच कंटे, एक मिनट। फालतू का आइटम ले क्यों, एक मिनट आओ, इसको इसमें नहीं, इस वाले में।
ऑलराइट वेट डैमेज रेडियो ये फैब्रिकेटर ग्लास टाइटेनियम सिल्वर और है हमारे पास टाइटेनियम चाहिए 4 ओके तो मेरे पास टाइटेनियम था यहाँ पे और कुछ चाहिए यहाँ पे ग्लास चाहिए 2 ग्लास भी था शायद लेट मी चेक क्वार्ट्ज 1 है आई डोंट नो इसे ग्लास कितने बनेंगे बट देख लेते बना लेते हैं ये जो यहाँ लगा हुआ है इसको मैं एक मिनट रुको जरा रुको 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 कंफ्यूज नहीं होना है बेबी चिलैक्स नहीं करना टाइटेनियम हो गया हमारे पास गोल्ड भी है मैन मैंने कहाँ से उठाया क्या उठाया मुझे कोई आइडिया नहीं बट है मेरे पास इतना पता है फिलहाल गोल्ड को हटा दो यहाँ से और बहुत सारा ब्रेल कोरल सैंपल क्यों है क्या है मुझे आइडिया नहीं है बट उठा रखा है हटा देते हैं इसको और सिल्वर है हमारे पास पानी बहुत सारा उठा रखा है थोड़ा सा भी और बढ़ेगा ना मतलब इसका कंपार्टमेंट और बढ़ेगा तो स्टोरेज भी बढ़ेगा नो डाउट एक मिनट मैं और देख लूँ मेरे पास ग्लास चाहिए होगा वरना मैं क्राफ्ट नहीं कर पाऊँगा देखो भैया देखो एक बात बता दूँ ये सीरीज ना बाकी उस कंपेयर मत करना गॉड ऑफ वॉर जैसे सीरीज है किसी और जैसे नहीं जो एक्शन टाइप होते हैं गॉड डेज ऑफ फलाटी माका ये धैर्य वाला है पेशेंस रख के देखोगे तो मजा आएगा सर्वाइव करना है बाबा यहाँ पे क्राफ्टिंग ये से वो सोचना बहुत कुछ है यहाँ पे जिंदा रहने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है इतना आसान नहीं है ना तो यहाँ पे इतना सब कुछ धमाका चाहोगे तो नहीं होगा तो आप बहुत धैर्य रख के देखोगे तो हो जाएगा ग्लास हाँ ये रहा ग्लास हो गया काम जरा सा एक सेकेंड इसको ड्रॉप कर दो क्या यार ब्रेन क्रोलर सैंपल को मैं हटाता हूँ इसको मुझे उठा लूंगा बाद में ये तो बहुत है अब हो जाएगा क्राफ्ट आई थिंक बन गई बात शायद बन गया बात कितना हो गया ओह या बेबी 135 मजे से घूम सकते हैं आराम से अब जरा सोचने दो मुझे और क्या चाहिए जो हम ले सकते हैं टूल्स की बात करूं तो उसमें मुझे एक एक एक, एक बहुत जरूरी चीज है यार आपने नोटिस किया होगा ये रिपेयर वाला जो ये एक डैमेज हुए पड़ा है रिपेयर पे काम करते हैं थोड़ा सा ना ये तो हो गया टूल देख रहे इसके लिए क्या चाहिए होगा रेडिएशन सूट फाइबर मेटल अरे रेडिएशन सूट जो भी अनलॉक हुआ है अगर ये अनलॉक कर लेते हैं मतलब बना लेते हैं तो हम वहाँ जा पाएंगे ड्राइविंग डीपर ऑब्जर्व ठीक है मैं वहाँ जा पाएंगे वहाँ पे नीचे और वहाँ पे उस अरोरा के पास कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ ये तीन तीन गेम्स में ऐसे नाम है घोस्टिकॉम ब्रेक पॉइंट एक ये हो गया सबनॉटिका और एक वो खेला था मैंने ना अरे यार वो मास्क वाला नहीं याद आ रहा उसका नाम मुझे अब मैंने वाइपर गेमिंग पे खेला था अच्छे से नाम है बट याद नहीं आ रहा मुझे नहीं वेरी पेयर टूल में केव सल्फर सिलिकॉन रबर चाहिए ठीक है सिलिकॉन रबर बड़े प्यार से मिल जाएगा यहाँ तक मुझे उम्मीद है और ये रहा सिलिकॉन रबर तो मिल जाएगा अब चाहिए केव सल्फर सुन के लग रहा केव में मिलेगा तो केव में चलते हैं जितनी गहराई में आप जाओगे उतने ही धमाकेदार आइटम मिलने की उम्मीद है यहाँ Thank you.
मैं केव में आ तो गया हूँ, बट ये केव नहीं है, मुझे नहीं लगता है केव है, गलत जगह पे हूँ। बस जगह सही है, मैं जहाँ पे केव है वहां पे नहीं हूँ, मैं हूँ तो पानी के बहुत नीचे ही। तो कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं, इट्स इज टेक इट इजी, जो मिल रहा है उसको उठाते निकलते हैं। जब अगर सिल्वर से इतना कीमती चीज बना है तो जाहिर सी बात है गोल्ड भी खतरनाक ही होगा बनाने के लिए। मैं फिलहाल स्कैनर का यूज बहुत अभी नहीं कर रहा हूँ, करना चाहिए क्योंकि अगर मैं स्कैनर निकालूंगा तो आपको पता है लाइट यस ऐसे हो जाएगा, और मैं तो कोई है पास में शायद, या मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बाबू एक बात तो है बता दूं मैं क्लियरली, मैं यहाँ पे बहुत भयानक बनाने वाला हूँ इसको आने वाले टाइम में। आपने देखा ना मेरा माइनक्राफ्ट वाला घर, बस एक बार सीखने की देरी थी, फिर क्या खतरनाक बनाया मैंने। बस एक बार यही है कि समझ जाओ पाइप वाइप का सिस्टम है यहाँ पे कैसा सिस्टम, एक बार समझ जाओ बढ़िया से ना, फिर तो रगड़ देंगे पकड़ के। रुक जाओ, Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Shit, ये वही था जो फट जाता है। क्या करूंगा इस अंडे को लेके? देख लिया था मैंने पहले ही। एक मिनट, अगर ये केव है और यहां पे मिल सकता है सल्फर तो दोबारा आते हैं थोड़ा सांस लेने के बाद। पिकअप केव सल्फर, यही तो है, रुक जाओ। आई थिंक एक ही चाहिए था, बट अगर आ गए हैं देख लेते, अगर एक और मिल जाए तो बहुत खतरनाक लग रहा है वैसे देखने में ये गुफा जैसा। वेट बॉय, छेड़ो नहीं उसको, निकलो। निकलते यहां से, निकलते निकलते रहन दो, उठा लिया ना, रहन दो। काफी सारा पार्ट कट करना पड़ेगा इसमें क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी ऐसे खोजने खाजने में ही। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सल्फर मिल चुका है, इसको आगे पहले बनाते हैं ताकि हम आइटम्स को रिपेयर कर पाए जो टूटे हुए हैं। स्कैन उस्कैन मारा है, सारा हाथ हो जाएगा। ये रहा केव सल्फर, और सॉल्ट डिपॉजिट, क्योर्ड फूड में ऑप्शन दिखा तो रहा है। अच्छा ये वो होंगे जो न्यूट्रिश मील, ओ माय गॉड, यानी मछली को पकड़ के अगर मैं साथ में नमक लगा दूं तो ये खा सकता हूं, कंज्यूम कर सकता हूं। एनीवे फोकस करते हैं उस पर जो करने वाले हैं। ये रहा रिपेयर टूल, सिलिकॉन रबर, ओके ठीक है, सिलिकॉन रबर निकालते हैं और इसको फटाफट रिपेयर करते हैं। Okay.
गया। Come on man, finally यार, basic चीज़ जो थी वो तुमने बना ली। Okay, चलो। Power, power, इसकी power भी कम होती है क्या? Okay. Great. मैं use करूँगा radio. Radio अभी, लेकिन उससे पहले देख लूँ कुछ और टूटा फूटा तो नहीं है। सेकेंडरी सिस्टम ऑनलाइन, आउटगोइंग रेडियो ऑफलाइन, इनकमिंग रेडियो ऑनलाइन, फ्लोटिंग डिवाइसेस डिप्लॉयड, हल लोके, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑक्सीजन हाई, ठीक है। ये रिपेयर करना है क्या? ये कुछ तो है, मतलब सब कुछ मस्त हो गया। अब ये मेडिकेट फैब्रिकेटर क्या अपने आप बनाता रहेगा? मुझे आइडिया नहीं है। एनीवे जरा एक बार देखना क्या है इसमें। फर्स्ट एड की टेस्टेड बैंडेज अप्लाई टू मुझे नहीं मालूम कैसे काम करेगा फिलहाल अभी तक तो। ये क्या है? कुछ नहीं है। हाँ देखते हैं। This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9999 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. बोलते रहो। पूरी बात शायद खत्म नहीं किया इसने। एनीवे एक बात अब मुझे बोला था, हाँ मुझे याद आ गया नाम उसका यार, जब इसने बार ऑरोरा बोला तो मेट्रो एक्सोडस नाम था उस गेम का जो मैंने खेला, वाइपर गेम में खत्म किया है। उसमें था हमारे पास एक ऑरोरा जो प्लेस था हुआ है ऑरोरा और एक गोस्ट कॉम ब्रेक पॉइंट में। खैर चलो ये हमारा हो गया। अब थोड़ा सा अब इस पर देखते हैं, जरूरी चीज़ हम बहुत टाइम से ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ये है कि इसको देख के समझ लें पहले। ओके एडवांस थियरीज एलियन एक, क्या ये दिखाओ जरा। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट दिस फ्रॉम हाउ इट मे बी पॉसिबल टू सिमुलेट अ हैचिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सोडस, ठीक है। मेरे किसी काम का कुछ कभी खास अभी तक तो नहीं है। इक्विपमेंट में देख लो, एयर पंप है जो एयर के लिए था, स्कैनर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू प्रिंट रिकॉर्ड द फिजिकल, ये वो मेडिकल स्कैनिंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म विल डिस्प्ले बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन देयर स्टेट ऑफ हेल्थ ऑन स्कैनर। सेल्फ स्कैन द यूजर मे रन अ सेल्फ स्कैन टू determine their own physical well-being. This scanner will search for foreign bacteria and other signs of ill health. Okay, cool. Radiation suit जो मैं पहन के जाऊंगा जब वहां पे जाना होगा मुझे मेरी ship के पास, तब safety rated up to 400 cross compatible sleek, ठीक है। Repair tool मैं already use कर रहा हूँ। Get your fix, ठीक है। इसको बंद करो। Aquarium, मेरे पास aquarium नहीं है। Design to hold this. 8 small aquatic organism fit inside a regular multi-purpose habitat. यार सदर नंबर ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हम इसको खुद ही यहाँ पर रख के खुद ही ब्रीड करा और खाओ बैठ के, ठीक है। फैब्रिकेटर मेरे पास ऑलरेडी है जो चीज़ों को बनाता। एवरीथिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग एवरीडे इम्प्लीमेंट टू कुकिंग डिनर, वाओ। यानी मछली पकड़ के लाओ, नमक लगाओ, चपक के खाओ, बढ़िया। हैबिटेट बिल्डर, हाँ ये चाहिए हमें ताकि मैं इसको बढ़ा पाऊँ। अल्टेरा हैंड हैंड हेल्ड हैबिटेट बिल्डर्स बिन इंसेंस टूल फॉर इंसेंस हैबिटेट गोल्ड हॉर्स हैबिटेट बिल्डर लैंड एट वाटर और इन वैक्यूम। सिलेक्ट द बेसिक कंपोनेंट फ्रॉम द बिल्डर मेनू एंड प्लेस इट समवेयर ऑपर्च्यून एट अ हैश टू एक्सेस द कंपार्टमेंट। बिल्ड अ सोलर पैनल टू पावर द, बहुत कुछ करना है यहाँ पे, मजा आएगा। सोलर पैनल इज द मोस्ट, ये तो सिंपल सी चीज़ है जो पावर देगी इसको। चलो ठीक है, इसको बंद करो व्हीकल्स। ये अभी मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, बनाऊंगा लेकिन इसको स्पीड बढ़ जाएगी इससे हमारी घूमने की यार। की फिंगर्स अप, ठीक है। इसको बंद करना, इसको बंद करो। कोरल ब्रेन कूलर, ये वो है। एयर टैंक सर्किट टू साइफन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर वेयर पॉसिबल।
अच्छा पानी के अंदर से, अच्छा इसमें से बुलबुले निकलते रहते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। राइट 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 राइट, कूल यार। ओके, जायंट कोरल ट्यूब, कोरल ट्यूब रिच इन कैल्शियम, ठीक है, और उससे हम ब्लीच भी ले रहे थे, लिखा भी है बीच ब्लीच के लिए। गुड 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 गुड। और क्या है यहाँ पे? कोरल, बंद करो ये, कोरल बंद करो। फौना, फ्लोरा फौना, कार्निवोरस, ये कार्निवोरस, ये तो वही है जो ब्लास्ट हो जाती है सल्फर, यानी ये जहाँ आसपास हो गया सल्फर भी होगा, ये ध्यान रखेंगे हम। डिफेंस मैकेनिज्म, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर बिल्ड अप इन द ऑक्सीजन ओवर टाइम, इफ द क्रैशर ऑक्सप्लोसिव इक्विप स्टेसिस राइफल रिपल्शन कैनन और सिमिलर बिफोर अप्रोचिंग। अच्छा मतलब कुछ खतरनाक कुछ हथियार बना के जाना पड़ेगा इसके पास जाना है तो। स्टॉकर, जो हम आवाज़ देख रहे हैं शायद उसकी है, शायद जो गुर गुर कर रहा है। नाइट विजन रेटिनल, अच्छा ये नाइट रात में देख सकता है क्या? पेल्विक फिन असेसमेंट, रैबिट रे, फोटो दिखाना, ये है स्टॉकर और ये है रैबिट रे। खा नहीं सकते लेकिन हार्मलेस भी नहीं है, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। स्मॉल ब्लैडर फिश, ये तो खा सकते हैं, ये दिखाओ ना, हाँ खा सकते हैं। ऑक्सीजन में भी रिट्रीव फ्रॉम द ब्लैडर एंड एडेड टू मेम्ब्रेन हैज एप्लीकेशंस एज अ नेचुरल वाटर फिल्टर बेबी। बहुत बढ़िया, ये था वो ब्लूप्रिंट जो आपको मिलना चाहिए था। सही यार, स्कैन करने के बाद मैंने बोला ना आपको रीड करो, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। गैरी फिश बस खाने काम आता है, गैरी फिश, इसकी आंखें बड़ी बड़ी सी निकली हुई है वहां पे। ओके कूल कूल कूल, नाइस नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत कुछ जानने को मिला। छूट गया है क्या? ये तुमने वहां देखा था, इसको अवॉइड करो, बस इसका एक ही चीज है, इसको अवॉइड करो, इसके आसपास मत जाओ। ये फंक्शन ऑफ पॉसिबल टेकअप, खा सकते हैं क्या इसको? एनीवे अ कॉमन प्लांट एटोमेटस स्मॉल रिवर्स, ठीक है। और कुछ है इसमें, कुछ और होगा शायद, हाँ ये वीड केव सिस्टम प्लांट विच फॉर्म्स अराउंड, ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। जरा इसको बंद करना और इसको भी बंद करना और इसको भी बंद करना और इसको भी बंद करना, यहाँ पे आना। वार्निंग ब्लूप्रिंट डेटाबेस करप्ट, इसको बंद करना, जरा इधर आना पहले। रेडियो, दिस इज अरोरा, कंटिन्यू टू मॉनिटर फॉर सिस्टम्स फ्रॉम आवर लाइफ पॉड, ठीक है कंटिन्यू करूंगा मैं, मॉनिटर करता रहूंगा, डोंट वरी, रिलैक्स हो बेबी रिलैक्स हो। और क्या है यहाँ पे? शॉर्ट रेंज स्कैन, सिल्वर पेस्ट, ये वो, डिटेक्टिंग ग्रीज ओ ग्लोबल रेडिएशन लेवल, ठीक है चलो सारा पढ़ लिया हमने। इसमें क्या है? छः दिखा रहे ऊपर जो हमने नहीं देखा, कहाँ दिखा रहा है छः यार, ये किस पे है? अच्छा ये कुक करने के लिए ब्लैडर लेके आना भी तो पड़ेगा, ब्लैडर फिश। अच्छा ब्लैडर फिश से ही बनेगा फिल्टर वाटर क्या? एक मिनट जरा रुको, मैं देखूँ यहाँ पे फैब्रिकेटर पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये लेके आएंगे तो मेरे पास सॉल्ट तो है बहुत सारा, फिल्टर वाटर बनेगा ब्लैडर फिश, यानी मछलियाँ पकड़नी होगी, बट मछलियाँ पकड़ने के लिए टूल्स तो बनाने पड़ेंगे, बस इतने अच्छे खासे कुछ खास टूल्स नहीं है। मैं और देखना चाहता हूँ, एक मिनट, डिप्लॉयबल सी ग्लाइड मोबाइल वाटर प्रूफ लॉकर, लॉकर बनाओ पहले यार, आइटम अपने पास ज़्यादा हो रहे हैं रखने के लिए, आइटम है नहीं मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ लॉकर का नाम दे सकते हैं ना, नाम दे के अलग अलग कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है और हमें आइडिया रहे उसके बारे में। जो भी आइटम निकालना है आप पक से निकाल लिए। पेट गुड़गुड़ कर गुड़ कर रहा है क्या? एनीवे ये कुछ नया है क्या? रीब्रीदर, अरे हाँ यार रीब्रीदर वही तो है, मास्क जो हम गहरे पानी में जाने पे लगाने पे यू दिक्कत नहीं होगी। फिन सिलिकॉन रबर, अरे फिन लगाओ ना, फिर क्या दिक्कत है, फिन लगाओ सिलिकॉन रबर, इससे बन जाएगा, यहाँ है तो ये, इससे बनाओ सिलिकॉन रबर।
खाने का ऑप्शन आ रहा है, पर मैं मारा जाऊंगा, रुको पहले बाद में कर लेना, पकड़ के लाते मछली उछली। ये रही शायद इसको, यही तो थी ना यार, इनको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। रुको discovered. All right. Okay, मैं कुछ बनाने वाला था। हाँ ये फिन सिलिकॉन रबर। जो चीजें मुझे पता है बहुत आसानी से मिलने वाले, एटलीस्ट उनको बना के तो हम कंप्लीट कर सकते हैं ना। Fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Vital signs stabilizing. Great, 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 just great. Finn कहाँ गया? ये रहा यहाँ पे. But Finn मैंने लगा रखा है, मेरे body पे है Finn. ये क्या है, फिंसी तो है ये, तो फिर ये हाथ में लगेगा वो ग्लव्स, फिर दोबारा बनाने का ऑप्शन क्यों आ रहा है? मैं एक मिनट रुको जरा, फिर है मेरे पास हाथों के लिए कुछ चाहिए बताओ, दे सकते हो तो, अगर मैं फिर एक और बना लूं, मान लो फर्स्ट एड के रिपीट वायरिंग किट और फाइबर मैश चाहिए, पाइप पाइप फ्लोटिंग एयर पंप टू, मोस्टली चीज़ें तो मेरे पास बना रखा है मैंने, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी बना रखा है उसके ऑप्शन भी आ रहे हैं कि आप दोबारा फिर से बना सकते हो। एक काम करते हैं, एक मकसद लेके चलो तो थोड़ा आसान होगा काम करना, ऐसे नहीं। हाँ पहले आइटम्स को सही 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 से रखना पड़ेगा, रुको तो यहाँ घूम रहा है, एक और छोड़ दो। हाँ नाम रखना है तो इस पे हम नाम रख देते हैं टाइटेनियम। रुको रुको आराम से, इतना ऐसे टाइप नहीं कर पाता, मुझे आता नहीं, रुक जाओ आराम से करो ना ये। हाँ ऐसे आ गया, कूल यार बेबी, ये PS5 बहुत स्ट्रांग है कूल है बहुत। रुको इसमें स्टोर करने के लिए रख दिया, उसमें टाइटेनियम हो गया, इसमें इस वाले में टाइटेनियम हो गया, इस वाले में कंफ्यूजिंग बहुत है। रुको 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 रुको, सोचने तो क्या करना था मुझे, एक मिनट आइटम्स यहाँ पड़े हुए ना, ये क्या है कोरल ट्यूब सैंपल, ये क्या है एक में वाटर वाटर कहते हैं, हाँ वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर ए ड्रॉप टू ड्रिंक। सारा बेड कस्टमाइज करूंगा मैं, ऑफ कैमरा बैठना पड़ेगा थोड़ा सा कस्टमाइज करने के लिए, वरना कितना आप उसमें देखोगे सब चीज़ें, कुछ लोग देख सकते हैं बाकी सब नहीं देखेंगे ना इसमें। एक मिनट रुको जरा मैं इस पे नाम लिख देता हूँ यहाँ पे पानी वानी का, ताकि मुझे पता रहे कि इसमें सिर्फ पानी पानी है। ओके कैप्स लॉक कैसे होता है इसमें यार, वो कैसे ऐसे नहीं, हाँ बेबी बड़ा इसमें तामझाम वाला काम है रे। हाँ ये हो गया वाटर,
ऑक्सीजन आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, रुक जाओ, ऑक्सीजन लेके आ रहा हूँ। हाँ जी, अब ठीक है। वाटर, बढ़िया। तो अपने पास रखो, बाकी यहाँ पे ड्रॉप कर दो, इसको कंज्यूम कर लो ताकि पता चलता रहे कि हमारी हेल्थ पूरी फुल हुआ पड़ी हो। एनीवे ये काम मैं बाद में करूँगा, अभी मैं थोड़ा इसके अंदर जाता हूँ। आप इसे क्यों क्यों देखोगे ना, रुको मैं आपको थोड़ा समझा दूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले, क्या मकसद हमारा होगा, किस चीज़ में हम काम करें। कुछ अरे कुछ है, we're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. Three out. Signal location uploaded to PDA. अरे आपने नोटिस किया, हमारा भी जो ये है पॉड, हमारा कोई नंबर है। वैसे ही पॉड बहुत सारे होंगे, मैंने बोला ना बहुत सारे प्लॉट यहाँ वहाँ गिरे होंगे, तो कहानी धीरे धीरे ऐसे ही निकलेगी। ये सी ग्लाइड बनाते हैं यार, एक मिनट रुको, इसी को देखते हैं। अननोन है, अच्छा जो नीचे वो बॉक्स पड़े हुए बहुत सारे, मुझे उसको स्कैन स्कैन मारना मारना होगा ताकि ताकि हाँ ये इस पे काम करते हैं वायरिंग किट, ताकि मैं बहुत सारे और आइटम्स को ब्लूप्रिंट देख पाऊँ कैसे बनाते हैं। फिलहाल रिब्रीदर पे काम कर सकते हैं, फाइबर मेश चाहिए और वायरिंग किट चाहिए। अभी फाइबर मेश और वायरिंग किट कैसे, हाँ ये रहा क्रीप पॉइंट से ही, और वायरिंग किट कैसे बनेगा वो भी बता दो लगे हाथों। ये रहा वायरिंग किट, सिल्वर ओर, सिल्वर ओर, दो सिल्वर ओर चाहिए और फाइबर मेश चाहिए। मैं इकट्ठा कर लूँगा, मैं दो सिल्वर और ये इकट्ठा कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम से इकट्ठा कर। एक बात मैं वो क्लियरली बता दूँ, जो भी इकट्ठा कर लगा मैं बस वही ऑफ कैमरा बैठूंगा, कोई भी स्टोरी में कुछ भी अलग से नहीं बनेगा। अगर मैं इस कंपार्टमेंट को बढ़ा रहा हूँ तो भी आपके सामने बढ़ाऊंगा, कोई नया ब्लू प्रिंट या कुछ ऐसा क्राफ्ट कर आपके सामने करूंगा। ऑफ कैमरा मैं सिर्फ चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए ही बैठूंगा, जहाँ पे कोई कमेंट्री नहीं कर सकता, कोई बातें नहीं हो सकती, बस वही करूंगा। तो इसके लिए टेंशन मत लेना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐसा बैठ के काम कर लिया जो आप नहीं देख पाए, ऐसा कुछ नहीं छूटेगा। अगर किसी और पॉड के बारे में ये देख रहे हो आप सामने, लाइव पॉड 3 शैलो क्रू रिपोर्टेड देयर 400 मीटर पे। अरे बाबा यही तो कहानी है यार, आप लोग कह रहे हो कि क्या क्यों खेल रहे हो, देखो क्यों खेल रहे हो, बहुत कुछ आगे होने वाला है पगले आजम। हाँ मैं कह रहा था सुनो, कि नेक्स्ट टाइम बैठता हूँ मैं आपसे मिलता हूँ तो हम चीज़ें मैं पहले थोड़ा सा घूम घाम के कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर क्राफ्ट करके वो गाड़ी वाड़ी बना के फिर निकलेंगे मैडम की जो आवाज़ आ रही थी वहाँ मिलने के लिए। जैसे मेरे लाइफ पॉट का नंबर आप देखो दिख रहा है ना, 5 नंबर है लिखा हुआ है 5, वैसे वो उनका लाइफ पॉट का नंबर क्या 3 था ना शायद, 4 था, 3 था, 3 शैलो, ठीक है उनसे मिलते हैं चल के। चलिए आज एपिसोड वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं दोबारा फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इसको इसलिए अभी क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि एक महीने बाद इसका पार्ट 2 आने वाला है, 1.5 महीने बाद पार्ट 2 रिलीज़ हो जाएगा, तो जस्ट लगातार हम कंटिन्यू कर सकेंगे। तो बस इसलिए इसको अभी मैं चाहता हूँ कि खेला जाए और थोड़ा फील से समझा जाए अच्छी तरह से। बाकी आप लोग को मज़ा आया हो तो बताना, और यार समझाता हूँ आप लोग को, सब्सक्राइब पर क्लिक करने के लिए नहीं होता क्या पगले, क्लिक करो वहाँ पे बेल आइकन प्रेस करो वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगी। चलिए अपना ख्याल रखिए, लव यू, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।